मॉर्निंग टू ऑल. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन. टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. वी व्हाट इज वेरिएशंस. वेरिएशंस मीन्स क्या होती है? विभिन्नता. जो भी कैरेक्टर्स पैरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या विभिन्नता होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेस निकेज इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. पॉपुलेशन कैसे बनता है? रिप्रोडक्शन के द्वारा. द कॉन्सिस्टेंसी ऑफ DNA कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पार्टिकुलरली. क्या होता है? DNA कॉपिंग जो है रिप्रोडक्शन के दौरान DNA की कॉपिंग होती है और जिसकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बॉडी डिजाइन के लिए और उसके निक के लिए यानी जहाँ वो रहते हैं उसके लिए. रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है. विद कोई भी स्पीसीज यहाँ पे स्टेबल है कि नहीं है, अगर स्टेबल है तो उसके लिए क्या है रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है. निक कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप डाउन. वाटर लेवल्स कैन वेरी आर देयर कुड बी मेट्रोइड हीट्स टू थिंक द फ्यू एग्जाम्पल्स. और इसके जो एग्जाम्पल हैं जो है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पे जो है टेम्परेचर का अर्थ के टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वाटर लेवल्स का इफेक्ट पड़ता है और कोई अगर मेट्रोइड हीट कर देता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है. If a population is reproducing organism we are suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out. क्या होता है कि wiped out मतलब population समाप्त भी हो सकता है अगर population जो है reproducing organism जो है वहाँ के लिए suit वहाँ रिप्रोडक्शन शूट नहीं करता है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन हुई वो समाप्त हो सकती है. हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वेयर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव. अगर उसमें कोई चेंजिंग आता है, कोई बदलाव आता है, ऑटोमेटिक अगर चेंजिंग आ जाता है तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं. दस इफ देयर वेयर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर्स. और इसी से जो है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जो है कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं. If the water temperature were to be increased, global warming, most of the bacteria would be die. अगर water temperature जो है कि बढ़ जाए तो बहुत सारे bacteria जो है क्या हो सकते हैं, die हो सकते हैं, मर सकते हैं. But the few variant resistance of heat would be and grow further. अगर जो कि जिनके पास क्या resistance क्षमता है जो कि उसको बर्दाश्त कर सकते हैं वो क्या करेंगे, survive कर सकते हैं और वो grow कर सकते हैं. वेरिएशन दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेरिएशन क्या है, स्पीसीज सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इसका पूरे जो टॉपिक है वो उसका मीन्स क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कोई जगह पे हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे अचानक जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग जो जहाँ रहते हैं वहाँ टेम्परेचर जो होता है कि नॉर्मल रहता है, अगर कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, अगर जो है हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी को सर्वाइव कर लेते हैं तब तो हम वहाँ सर्वाइव करेंगे. लेकिन जो जिनके पास इसकी क्षमता नहीं होगी सर्वाइव करने की क्षमता तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसी तरह से हम लोग स्पीसीज में भी देखते हैं या बैक्टीरिया को हम ले लेते हैं. अगर सपोज कर लीजिए कोई बैक्टीरिया जो है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है तो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा. लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि उसकी जो उसके जो ऑफ स्प्रिंग है वो उसमें सर्वाइव कर लेते हैं, उसको प्राकृतिक अगर सेलेक्ट कर लेगी तो वो सर्वाइव कर लेंगे, या उनके अंदर जो वेरिएशंस आ जाएगा किसी की वजह से उनके DNA चेंज हो जाएगी तो इस तरीके से वो सर्वाइव कर लेंगे. तो इसलिए वेरिएशंस क्या है, वो विभिन्नताएँ जो हैं सर्वाइवल के लिए स्पीसीज के लिए ज़रूरी हैं. नाउ वी कम हियर. Compare us to ways in which years case and how it grows in the second case. Having discussed the context which reproducing process work, let us examine how different organisms
मूड्स ऑफ दिस वेरिएशन आर बीइंग डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन कैसे होता है आप लोग ये जानते हो, दो स्पीसीज हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें दो स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों के कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशन आते हैं और वो वेरिएशन उनके लिए यूज़फुल रहता है, उनके सर्वाइवल के लिए यूज़फुल रहता है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है उनके बॉडी डिजाइन पे जो है निर्भर करता है। वी कम ऑन द टॉपिक फीजन। फीजन क्या है? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन आर फीजन लीड्स टू द सर्टेन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मैन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फीजन हैव बीन ऑब्जर्व। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या होता है कि बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स हैं जो कि क्या होती है, इनकी बॉडी जो है स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इनटू टू यानी दो में डिवाइड हो जाती है सेल डिवीजन के समय। और इसके जो एग्जांपल हैं जो है वो अमीबा को हम लोग ले लेते हैं। अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा में जो है किसी भी प्लेन पर डिवीजन होता है। यहाँ पर फिगर के द्वारा हम देखते हैं ये अमीबा है और यहाँ पर जो है इसमें जो चेंजिंग आया, जो बदलाव आया है, इसकी जो सेल है वो डिवाइड होने की कैपेसिटी बल्जेज हो जाती है, बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, और साथ साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होने के कैटेगरी में होता है। फर्स्ट स्टेज में जो है कि अमीबा, सेकंड स्टेज में जो है कि ये दोनों डिवीजन के कागार पे हैं, इसके बाद थर्ड स्टेज में भी डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का प्लस न्यूक्लियस का, दोनों का ही हो रहा है। इसके बाद जो है कि ये न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो जाता है और साथ में सेल भी डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फीजन हमने अमीबा को देखा, तो ये बाइनरी फीजन का एग्जांपल है। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवॉट मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी सच एज सीन इन लीशमैनिया व्हिच काज कालाजर व्हिच हैव वीप लाइक स्ट्रक्चर वन इन ऑफ द सेल इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फीजन अकर्स इन डिफरेंट ओरिएंटेशन इन रिलेशंस। अगर हम लीशमैनिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बाइनरी फीजन होता है और उसके द्वारा जो है इसमें जो है कि डिवीजन होता है, बाइनरी फीजन के द्वारा जो है ब्रेक आउट होता है। सो नाउ स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो।